मुनव्वर और अभिषेक दोस्तों दोनों ही पीछे रह गए और बाजी जो है वो क्लियर कट इस बार मार ली है अंकिता लोखंडे ने। अगर क्या हुआ है ऐसा और कैसे अंकिता ने बाजी मारी है और किस लिए ये सारी बातें हो रही हैं, किस तरीके से सारी बातें हो रही हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दें कि चाहे वो अभिषेक हो या वो मुनव्वर हो, दोनों ही इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं अगर बात बिग बॉस की हो तो। लेकिन उसी के साथ साथ हम इसको भी मना नहीं कर सकते हैं कि भाई अंकिता लोखंडे एक साइड एक टफ कंपटीटर तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ इस समय अंकिता लोखंडे अपना थोड़ा सा एक बोलते हैं ना जो एक नाम का वजब होता है, एक नाम का जो वजन होता है वो मिस कर रही है। मतलब एक इतना बड़ा दबाव है आपके ऊपर, आप अंकिता लोखंडे हैं जिसको लोग इतने समय से टीवी पर देखते हुए आए, वो प्रेशर कहीं ना कहीं उनके ऊपर दिखा है। लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी वो मुनव्वर की वकील बनकर ही घूम रही थी अभी तक, भले वो टास्क खत्म हो गया लेकिन अभी तक वो उसी कैरेक्टर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई उस कैरेक्टर से ऐसा स्विच उन्होंने मारा है कि आज के एपिसोड में या कल के एपिसोड में बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होने वाली है। कैसे बताऊं तो भाई इस समय जो अपडेट सामने आ रही है, इस समय जो न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि बिग बॉस के घर की नई कैप्टन जो बनी है उनका नाम है अंकिता लोखंडे। इसके पहले मुनव्वर कैप्टन बन चुके हैं, ईशा कैप्टन बन चुकी हैं, औरा कैप्टन है इस समय और अब अंकिता लोखंडे कैप्टन बन गई हैं। टोटल चार कैप्टन और आपने देख लिया कि कैप्टनसी क्यों जरूरी है। कल ऑल ऑफ सडन जब टास्क एलिमिनेशन वाली बात हुई तो तीन लोगों को नॉमिनेट किया गया डायरेक्टली भाई सीधे कैप्टन के कहने पे और उसके बाद एक एविक्शन भी हो गया अनुराग डोभाल का। अब देखते हैं कि अंकिता के कैप्टन बनने पर किसका क्या फायदा होता है और कैसे ये चीजें प्लान होंगी आगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है और अंकिता के कैप्टन बनने पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में। लेकर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।